स्वागत है स्टूडेंट आपका और आज हम देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.1 और ये हमारा पार्ट 2 है स्टूडेंट। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा। खास कर लेसन 4 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमारा वीडियो है उसे जरूर देखें ताकि पूरा एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है यदि 6 का पावर n बाय 6 का पावर -2 इज इक्वल टू 6 का पावर 3 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। फिर से ध्यान देंगे स्टूडेंट, यदि 6 का पावर n बाय 6 का पावर -2 इज इक्वल टू 6 का पावर 3 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। काफी इंपोर्टेंट और काफी इजी, आइए बस ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो 6 का पावर n हम सॉल्व करने पे आ रहे हैं। 6 का पावर n बाय 6 का पावर -2 इज इक्वल टू 6 का पावर 3, तो ऐसा हुआ। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 6 का पावर सिंपल स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे डिवाइड में है ना, 6 का पावर -2 डिवाइड में है तो हमने सॉल्व करने सीखा, जो डिवाइड में रहते हैं उधर जाके होते हैं मल्टीप्लाई में। तो 6 का पावर n बराबर 6 का पावर 3 इंटू 6 का पावर -2। अब इसके बाद ये 6 का पावर n बराबर 6 का पावर 6 है, जान ले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a का पावर m गुना a का पावर n बराबर m प्लस n। ओके अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6 का पावर 3 प्लस -2 और यहाँ से होगा 6 का पावर n बराबर 6 का पावर 3 प्लस माइनस इंटू होगा तो -2, 6 का पावर n बराबर 6 का पावर 3 में 2 जाएगा स्टूडेंट तो 1। और इसके बाद फाइनली अब यहाँ देखिए 6 इक्वल है तो n का मान कितना होगा 1। अगर यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1, इसका मतलब हुआ n इज इक्वल टू। अब हम देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3/2 का होल पावर -3 को किस संख्या से भाग दी जाए कि भागफल 4/9 का होल पावर -2 प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कहना चाह रहा है, एक एग्जांपल समझते हैं कि 8 को कितने से भागा लगाएं कि आंसर जो है वो 4 होगा, है ना स्टूडेंट। यही बात देखिए, इतना को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल इतना होगा, मतलब ये पूछ रहा है सिंपल कहे तो कि 8 में कितना से भागा लगाएंगे कि 4 होगा। तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टूडेंट कि 2 है ना, अगर 8 में 2 से भाग लगाते हैं तो 4 आ जाएगा। तो ये जो 2 है आखिर हम इस 2 को कैसे निकालेंगे, कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हम लोग 8 में 4 से भागा लगा देंगे। देखिए स्टूडेंट 2 आया, तो जो हमें चाहिए था उसे निकालने का तरीका हम समझ चुके हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें है ना 3/2 का होल पावर -3 में भाग लगाएंगे। देखिए तो जो क्वेश्चन जिसमें भाग लगाने का बात करता है और जो परिणाम मिलता है, ये परिणाम हो गया स्टूडेंट, तो उसी परिणाम से हम लोग इसमें भाग लगाते हैं। देखिए परिणाम यानी भागफल ये है, भागफल ये है आपका, तो ये भागफल मिल रहा है और यहाँ भागफल क्या है ये, तो इससे हम लोग इसमें क्या लगा देंगे डिवाइड, तो लगाएंगे तो 4/9 का होल पावर -2। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा कि ये 3/2 है और ये 4/9 है, दोनों का आधार एक समान नहीं है पहला बार। तो एक समान आधार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये जो 4 को देख रहे हैं, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 2 का स्क्वायर, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर का -2 होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है वह है 2/3, जबकि यहाँ है 3/2। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हमें क्या करना होगा, व्युत्क्रम करना होगा, पलटना होगा। तो पलटेंगे तो ये माइनस पावर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये लिखाएगा 2/3 का होल पावर 3। कौन सा फॉर्मूला लगा, तो फॉर्मूला लगा हमारा a/b का होल पावर माइनस n, then b/a का होल पावर n। तो व्युत्क्रम करने पर पावर जो होता है नेगेटिव से बन जाता है पॉजिटिव, हो गया। अब यहाँ पे देखिए, दो दो जो पावर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 का होल पावर 2 का होल पावर माइनस 2, ये लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट। ये दो जो है दोनों का पावर कॉमन कहाँ गया, बाहर। अब इसके बाद यहाँ से 2/3 का होल पावर 3 डिवाइड, अब ये 2/3 का, अब ये जो पावर है इंटू करेंगे, है ना, क्योंकि ये गुना में इस फॉर्मूले में है, a का पावर m का होल पावर n बराबर a का पावर m गुना n। तो यहाँ 2 गुना लिखाएगा -2। अब इसके बाद 2/3 का होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/3 का होल पावर, तो ये देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 दुनी हो गया 4। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो आगे चलेंगे तो 3 का, अब देखिए अब दोनों का आधार एक समान है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, a का पावर m भागा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n, ओके। अब यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, ये इसको उतार देंगे 2/3 और ये पावर 3 में घटाएंगे क्या, -4, क्योंकि भाग में देखिए हम लोग घटाते हैं स्टूडेंट, तो घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखाएगा 2/3 का होल पावर 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4। तो यहाँ पर ये क्या आता है, 2/3 का होल पावर 3 4 7, और ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है x ज्ञात कीजिए। x ज्ञात कीजिए मतलब सिंपल है कि x इज इक्वल टू वाट, है ना, ताकि ये जो बातें हैं मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर हो सके। तो सिंपल है स्टूडेंट आपको कि इसको सॉल्व करके x का मान बताना है, काफी इजी है कि यहाँ पे देखिए दोनों फॉर्मूला में 2/9 का पावर 3 2/9 का पावर माइनस 6, ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, है ना, आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं। तो 2/9 उतरेगा स्टूडेंट और इसका पावर 3 है प्लस क्या करेंगे -6 = 2, है ना, इक्वल्स टू 2/9 और यह हो जाएगा 2x-1। अब यहाँ से 2/9 का होल पावर 3 और प्लस इंटू माइनस माइनस 6 = 2/9 और ये हो गया 2x-1। अब ये हुआ 2/9 का होल पावर, तो 3 माइनस 6, तो अगर सॉल्व करते हैं तो घटेगा 6 में 3 गया, तो 3 बड़ा वाला माइनस में स्टूडेंट, तो ये माइनस और ये हो गया 2/9 का होल पावर 2x-1। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ केवल हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2/9 2/9 जो कि सेम है, तो ये दोनों हटेगा, है ना, ये दोनों हट जाएगा, इसका पावर क्या स्टूडेंट -3 है और इसका पावर क्या है 2x-1। जैसे देखिए 2/9 2/9 के बराबर है, उसी तरह से इसके पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब x का मान ऐसा कुछ आएगा स्टूडेंट, इसको रखने पर इधर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, तो ये हुआ -3 और ये आपका सॉल्व करेंगे तो सुनिए, x वाले को इधर पहले ले आते हैं तो क्या लिखेंगे, 2x-1 पूरा इधर और ये पूरा इधर, तो एक वाले जब चेंज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सेम टू सेम उतर जाएगा। अब ये 2x बराबर -1 इधर आके +1 हुआ,
तो माइनस प्लस होता है माइनस स्टूडेंट, तीन में एक किया तो दो, बड़ा वाला माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास है 2x, तो दो गुना में है, गुना में है तो वो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, दो तो कट गया स्टूडेंट, तो कट गया तो x इज इक्वल टू आया माइनस वन, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।